अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आवाज आ रही है? मैं ओके, ग्रेट। ओके जी, आज पहले तो मैं कुछ एक क्विक रीकैप करवा दूँ। कल हमने चैप्टर नंबर 7 कंक्लूड कर लिया था। कल हमने आखिरी जो थ्योरी पढ़ी थी, दैट वाज इक्विटी थ्योरी। और इक्विटी थ्योरी जो है, ये पेपर में भी टेस्ट हो चुकी है। इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक टू डिस्कस, सो लेट्स वेट फॉर अ फ्यू मिनट, लेट अदर्स कम एंड देन वी विल टॉक अबाउट इट। ठीक है? ओके जी, सो लेट्स रिज्यूम। कल हमने 7 चैप्टर को कंक्लूड कर लिया था। कल हमने इक्विटी थ्योरी को डिस्कस किया था। इक्विटी थ्योरी को मैं एक दो बार रीकैप कर दूं फॉर दोज हु डिडंट हैव अ चांस स्टडी दिस थ्योरी यस्टरडे। इक्विटी थ्योरी के अंदर हम बेसिकली डिस्कस करते हैं कि एम्प्लॉयज जो हैं, किसी भी और दे परसीव टू बी ट्रीटेड फेयरली एंड इक्वली। एम्प्लॉयज डिजर्व जस्टिस एंड एम्प्लॉय वॉन्ट्स एन एम्प्लॉय वॉन्ट्स टू बी ट्रीटेड इन अ फेयर मैनर। इक्विटी थ्योरी में दो अप्रोचेज हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच जो है, दैट टॉक्स अबाउट द कॉन्टेंट, द फेयरनेस ऑफ आउटकम। और जो इसका मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट है, इट टॉक्स अबाउट द प्रोसेस दैट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ फेयरनेस परसेप्शन। लोग किस तरह से अपनी फेयरनेस परसेप्शन को डेवलप करते हैं। ठीक है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसमें ये जो 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस हैं, ये आ चुके हैं पेपर में। 9-10 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या होता है, प्रोसीजरल जस्टिस क्या होता है, इंटरेक्शनल जस्टिस क्या होता है। तो जस्टिस की डिफरेंट किस्में होती हैं, इसके ऊपर पेपर में क्वेश्चन अपेयर हो चुका है। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जो होता है, दैट इज द जस्टिस इन विच यू डिस्ट्रीब्यूट द रिवॉर्ड अमंग्स द एम्प्लॉयज फेयरली। सैलरी की डिवीजन, बोनसेस की डिवीजन, पे रेजेस की डिवीजन, सबकी फेयर होनी चाहिए। अगर परफॉर्मेंस रिलेटेड है तो जस्टिफाइड होनी चाहिए। यू मस्ट जस्टिफाई कि अगर आप किसी एम्प्लॉय को ज़्यादा सैलरी दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं। इसी तरह प्रोसीजरल जस्टिस, फ्री ट्रायल्स या फेयर ट्रायल्स सबके लिए होना चाहिए। फेयरनेस ऑफ प्रोसेस शुड बी फॉर एवरीबडी। कंसिस्टेंसी, एक्यूरेसी, एथिक्स, एब्सेंस ऑफ बायस, ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जिनको आपने कंसिडर करना है बिफोर यू मेक चॉइस टू ट्रीट द पीपल इन योर ऑर्गेनाइजेशन। तो एवरीबडी यू नो डिजर्व टू बी ट्रीटेड एंड टू गो थ्रू अ कॉमन प्रोसेस। इंटरेक्शनल जस्टिस के अंदर आगे फर्दर दो चीज़ें, इंटरपर्सनल जस्टिस आ जाता है जिसमें हम रेस्पेक्ट की बात करते हैं,
इंटरपर्सनल जस्टिस के अंदर परसेप्शन ऑफ रिस्पेक्ट एंड प्रॉपर्टी इन वन ट्रीटमेंट। ऐसा नहीं है कि अगर आपका बॉस है तो उसे आप अब्यूज़ करें, उसे आप बड़ी इज्जत से बात करेंगे, और अगर आपका सबॉर्डिनेट है तो उसे आप अब्यूज़ करेंगे। इंफॉर्मेशनल जस्टिस में हर एक को इंफॉर्मेशन टाइम पर मिलनी चाहिए, स्पेसिफिक मिलनी चाहिए, जो जितनी इंफॉर्मेशन जिस जगह पर जानी चाहिए वहीं पर जानी चाहिए। जस्टिस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में दो लेवल से होती है, एक होता है जस्टिस क्लाइमेट। एक इदारे के अंदर जस्टिस परसेप्शन बिल्ड कैसे हुई है, जस्टिस क्लाइमेट क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्या है जस्टिस के हवाले से, और एक लेवल पे होता है फिर ऑर्गेनाइजेशनल एंड नेशनल कल्चर्स। कल्चरल लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के ऊपर आपके जो, ये एग्जैक्टली हॉफ स्टीट का मॉडल है, हमने पढ़ा था हॉफ स्टीट के मॉडल में कि नेशनल कल्चर जो है वो डिटर्मिन करता है एक इदारे का कल्चर। तो जो एक इदारे के लेवल पे अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई हुई है, जो एक इदारे के लेवल पे कल्चरल लेवल के ऊपर जो परसेप्शंस और जो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई हुई है, उनको हम फिर डिस्कस करते हैं, लेके आते हैं टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। तो ये हम हॉफ स्ट्रीट के मॉडल में ऑलरेडी हम इसके ऊपर पहले बात कर चुके हैं कल्चर के ऊपर। जैसे तो ये इक्विटी थ्योरी है पेपर में, इसके जो तीन टाइप्स ऑफ जस्टिस हैं ये टेस्ट हो चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या होता है, प्रोसीजरल जस्टिस क्या होता है, इंटरेक्शनल जस्टिस क्या होता है। इंटरेक्शनल जस्टिस में आगे फर्दर दो किस्में होती हैं, इंटरपर्सनल जस्टिस इज बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट ऑफ द पीपल, एंड इंफॉर्मेशनल जस्टिस इज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन, द एडिक्वेसी ऑफ एक्सप्लेनेशन विच यू गिव टू द पीपल बेस्ड ऑन द स्पेसिफिसिटी एंड टाइमलीनेस एंड ट्रूथफुलनेस। ठीक, सो दैट्स वेयर वी डिस्कस दिस थ्योरी यस्टरडे। ओके, लेट्स नाउ गो थ्रू द क्वेश्चंस फ्रॉम द पास्ट पेपर इन द सेवन चैप्टर। अभी तक की टोटल जो 9 अटेम्प्ट्स हैं, योर्स इज गोइंग टू बी द 10th वन। 9 अटेम्प्ट्स में अभी तक 7 चैप्टर किस किस कॉन्टेक्स्ट में टेस्ट हो चुका है। अभी रिसेंट पास्ट में अगर देखा जाए तो 7 चैप्टर में से एक तो आई थी सेल्फ एफिकेसी थ्योरी 5 मार्क्स की। दैट वाज वन ऑफ द क्वेश्चन जिसमें एग्जामिनर ने सेल्फ एफिकेसी को टेस्ट किया था, और उसके बाद इसमें मैकलेलन की नीड थ्योरी देखें। क्वेश्चन नंबर 10 जो है पूरा ये मोटिवेशन के ऊपर है, और 10 मार्क्स आए थे मोटिवेशन में से, एक मॉडर्न थ्योरी आई थी और एक कंटेंट थ्योरी आई थी 5 मार्क्स ईच। देख रहे हैं, मॉडर्न थ्योरी के अंदर डिफाइन द टर्म सेल्फ एफिकेसी, डिस्कस एनी 4 एट्रीब्यूट्स ऑफ अ पर्सन विद स्ट्रॉन्ग सेल्फ एफिकेसी। तो वो जो हमने थॉट प्रोसेस डिस्कस किए थे, उसके जो एट्रीब्यूट्स हमने कल डिस्कस किए थे परसों, दैट इज द क्वेश्चन, सेम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कि स्ट्रॉन्ग सेल्फ एफिकेसी वाला जो इंडिविजुअल है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स को ब्लेम करेगा फेलियर्स के अकॉर्डिंगली। जिस इंडिविजुअल की सेल्फ एफिकेसी स्ट्रांग होती है, ही और शी वुड बी फोकसिंग मोर ऑन द एक्सटर्नल फैक्टर्स व्हेन ही हैज टू एट्रीब्यूट द फेलियर। इसी तरह हमने डिस्कस किया था कि जिसकी सेल्फ एफिकेसी स्ट्रांग होती है वो ऑब्स्टिकल से स्टिमुलेट होता है, और जिसकी सेल्फ एफिकेसी वीक होती है उसे ऑब्स्टिकल्स डिस्करेज करते हैं। जिसकी सेल्फ एफिकेसी हाई होती है वो बिगर पिक्चर को एम्ब्रेस करता है। ये वाला क्वेश्चन था बेसिकली। सो दीज आर द एट्रीब्यूट्स, दीज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ द पीपल विद स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ सेल्फ एफिकेसी, ये वाला पॉइंट था। एंड देन पार्ट बी में मैकलेलन की नीड थ्योरी थी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल हु आर मोटिवेटेड बाय द अबव 3 नीड्स एज सजेस्टेड बाय मैकलेलन, आल्सो मेंशन अंडर व्हिच डोमिनेंट नीड अ पर्सन वुड मोस्ट लाइकली टू बी अ गुड लीडर। नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर अचीवमेंट के अंडर एक इंडिविजुअल अच्छा लीडर होगा, ये हमने डिस्कस किया। तो ये 10 मार्क्स थे इस चैप्टर में से। थोड़ा और पीछे मूव करें, मार्च 18 में आए। मार्च 18 में एग्जामिनर ने मोटिवेशन में से क्या क्या टेस्ट किया था, लेट्स फिगर इट आउट। जस्ट अ मोमेंट, लेट मी जस्ट पुल अप दिस फाइल। इससे क्वेश्चन की जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी सी क्लियर सामने आ जाती है, ढूंढना नहीं पड़ता पेपर में क्वेश्चन। यहाँ से देख लें तो मैकलेलन की नीड थ्योरी थी यहाँ से, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट बी, और यहाँ से सेल्फ एफिकेसी थ्योरी थी 10 का पार्ट ए। ठीक, ये हो गया। पीछे मूव करें तो
There was reinforcement theory, question number 7, in March 18. March 18, mein examiner ne reinforcement theory tested here. Positive or negative reinforcement ka difference with example. Aur phir saath hi pucha, practical implications of reinforcement theory by managers in the business environment. So, puri reinforcement theory, 8 marks mein test hui thi. External reinforcement again. हमने reinforcement को दो level पे discuss किया था, external भी होती है और internal भी होती है. So that is the question where it is talking about the external reinforcement, like कोई और reinforce कर रहा है आपके behavior को, either in a positive way or in a negative way. We had already debated on this particular theory. So 8 marks, so you can very fairly see 8, 10 number, 12 number, इसमें से लाज़मी आते हैं. Okay. McClellan की नई थ्योरी आई थी दोबारा क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट ए में इन सितंबर 17 में. देखें क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए हियर. इंटरेस्टिंग ही सिचुएशन दी जा रही है और पूछा जा रहा है बताएं कौन कौन सी नीड मोटिवेट कर रही है इंडिविजुअल्स को और उसको एक्सप्लेन भी करना है उन नीड्स को. ठीक है, तो आप कह रहे हैं क्लासीफाई द नीड्स अबव, इंडिविजुअल्स की नीड्स को जरा क्लासीफाई करें. CFO is driven by high need of power and influence, the need for power. Chief information officer seeks friendly relationship and wants to please everybody, need for affiliation. Head of human resource seeks situation in which he can attain personal responsibility for finding solutions to problems, need for achievement. So, teenon kisam ki jo needs hain iske andar, wo aap dekhne paayi ja rahi hain. Teen number iske hain aur phir aapne bari bari teenon needs ko explain karna hai. Part B dekhen. Extrinsic intrinsic rewards की for example 4 marks, ये तो straight forward marks, यानी ये 8 और 4 ये 12 में से कम अज कम 11 marks आप score कर सकते हैं. अब ये question पढ़ के आपको ऐसा लग रहा होगा कि काश हमारी attempt में क्या सवाल आ जाए, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? Are you getting that feeling ना, काश ऐसा question हमें भी देखने को मिले अपने paper के अंदर. Yes, hopefully मिलेगा इंशाल्लाह. इसी किस्म के questions आपको भी आएंगे. So, ये था जी क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए एंड पार्ट बी और साथ क्वेश्चन नंबर 9 एमबीओ. तो आप देखें सितंबर 2017 में काफ़ी रिच था, 12 नंबर तो यही हो गए और साथ क्वेश्चन नंबर 9 था एमबीओ के ऊपर हियर 9. तो 12 एंड 9 21 मार्क्स. ये 6 चैप्टर में से कोई सवाल नहीं था, देर वॉज नो क्वेश्चन फ्रॉम 6 चैप्टर. एमबीओ के को डिफाइन करने को कहा गया था और एमबीओ का प्रोसेस पूछा गया था 9 मार्क्स में, 6 स्टेप से 9 मार्क्स का क्वेश्चन था. तो 21 नंबर आए थे एग्जाम में इस पर्टिकुलर टॉपिक में से. और पीछे मूव करें थोड़ा तो मोटिवेशन में से काफ़ी सारे एमसीक्यूज आए थे मार्च 2017 में, 5 का 1, 5 का 2, फिर 5 का 6 और 5 का 7, 4 एमसीक्यूज जो हैं वो मोटिवेशन में से थे. हर्ज़बर्ग टू फैक्टर थ्योरी आई थी क्वेश्चन नंबर 1, हाउ टू सेट इफेक्टिव गोल्स का क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 7 का बी. मार्च 17 वाज वन ऑफ द डिफिकल्ट अटेम्प्ट ऑफ बीएमबीएस. सितंबर 17 वाज इजीएस्ट, सितंबर 17 इजी थी, मार्च 17 तो मुश्किल अटेम्प्ट थी. हाँ, सितंबर वाज वेरी इजी, एग्जैक्टली सितंबर 17 वाज वेरी इजी बट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे. मार्च 17 वाज वेरी डिफिकल्ट. इनफैक्ट मार्च 17 का रिजल्ट अब तक के बीएमबीएस की अटेम्प्ट्स का लोएस्ट रिजल्ट रहा है, ओनली 21%. ठीक है ना, नहीं मुश्किल है. एमसीक्यूज आर नॉट अ पार्ट ऑफ बीएमबीएस, आ भी सकते हैं लेकिन एक दफ़ा आ चुके हैं. ये देखें मार्च 2017 में एक दफ़ा एमसीक्यूज आ भी चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 5 पूरा एमसीक्यूज के ऊपर था. ये देखें पहला एमसीक्यू जो था वो मोटिवेशन के ऊपर था, दूसरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी मोटिवेशन पे था, फिर छठा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेल्फ एफिकेसी मोटिवेशन पे था, फिर सातवां मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक्सपेक्टेंसी थ्योरी मोटिवेशन पे था. बेटा अभी तक सिर्फ एक दफ़ा आए हैं और कोई टाइमलाइन सेट नहीं है कि किसी अटेम्प्ट में आएंगे किसमें नहीं आएंगे. एक दफ़ा आ गए हैं तो दोबारा भी आ सकते हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, अगर आपने बुक को थॉरली समझा हुआ है पढ़ा हुआ है तो एमसीक्यू को अटेम्प्ट करना कोई मुश्किल बात नहीं. If you have studied the subject thoroughly, तो MCQs जो हैं वो अटैम्प्ट करना कोई इतना चैलेंजिंग टास्क नहीं है, आसानी से हो जाते हैं अटैम्प्ट. ठीक,
ये एमसीक्यू से काफी सारे क्वेश्चन नंबर वन था हर्सबर्ग, तो ये देखें चार नंबर के चार एमसीक्यू हो गए। क्वेश्चन नंबर वन आया था हर्सबर्ग टू फैक्टर थ्री में से, 10 मार्क्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड 10 मार्क्स। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन फाइव मोटिवेटेड फैक्टर्स विच मे इन्फ्लुएंस समर डिसीजन टू एक्सेप्ट पोजिशन इन के एफ एल। मोटिवेटेड फैक्टर निकाल रहे हैं इस केस स्टडी में से। आई वुड रिकमेंड कि ये केस आप पढ़ के सॉल्व कीजिएगा। तो 10 नंबर का पहला सवाल हो गया, चार नंबर के एमसीक्यूज आ गए, उसके बाद 7 का ए पार्ट इक्विटी थ्योरी और 7 का बी पार्ट हाउ टू सेट इफेक्टिव गोल। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट आ गया 6 नंबर का, तीनों किस्म के जस्टिस एक्सप्लेन करने हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, एंड स्टेट एनी 4 रीजंस व्हिच मे एक्ट एज इम्पेडिमेंट इन द अचीवमेंट ऑफ बिजनेस गोल, 5 मार्क्स। अच्छा, ये बड़ा मजे का क्वेश्चन है, ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि मुश्किल तरीन पेपर है ये अटेम्प्ट जो है। अब ये क्वेश्चन देखें क्या कह रहे हैं आपसे, क्वेश्चन कह रहा है कि वो क्या रीजंस हैं, वो 4 रीजंस बताएं जो इम्पेडिमेंट, इम्पेडिमेंट कहते हैं रुकावट को, स्पॉइल करने को, खराब करने को, जो इम्पेडिमेंट बन सकती हैं इन द अचीवमेंट ऑफ बिजनेस गोल्स। बिजनेस गोल्स इफेक्टिव नहीं है बेसिकली, तो इस क्वेश्चन को आंसर करना, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमने सिर्फ किसी भी कॉन्सेप्ट को रेसिप्रोकेट करना होता है, वी हैव टू रेसिप्रोकेट अ कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, हाउ टू सेट इफेक्टिव गोल्स, इन पॉइंट्स को उलट कर दें तो ये इम्पेडिमेंट्स बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इफेक्टिव गोल सेटिंग में क्या होता है, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट होती है कि एम्प्लॉई पार्टिसिपेट करें, तो इसको उलट कर दो तो इम्पेडिमेंट बन जाएगा। कैसे, एम्प्लॉई डज नॉट पार्टिसिपेट इन गोल सेटिंग प्रोसेस, गोल्स आर नॉट स्मार्ट, गोल्स आर नॉट अलाइंड विद कमर्शियल, पर्सनल एंड कमर्शियल गोल्स आर नॉट अलाइंड, देर इज नो सिस्टम ऑफ फीडबैक, देर इज नो इंट्रिंसिकली मोटिवेटिंग गोल्स। गेटिंग द पॉइंट, यानी इन्हीं पॉइंट्स को उलट कर दें तो यही पॉइंट्स वो रीजंस बन जाएंगी कि जिससे आप गोल्स को इफेक्टिव नहीं बना, गोल्स को आप इफेक्टिव नहीं बना सकेंगे। सो जस्ट रेसिप्रोकेट दीज पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को रेसिप्रोकेट कर दें तो दीज पॉइंट्स विल बिकम द रीजन फॉर विच गोल्स विल बिकम इम्पेडिमेंट्स, गोल विल बी द रीजंस ऑफ इम्पेडिमेंट्स टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। इज इट क्लियर, ये बात समझ आई आपको? तो बेसिकली इसके अंदर करना यही है, आपने रिवर्स कर देना है क्वेश्चन को। तो 6 और 5 11 नंबर ये हो गए, 4 मार्क्स के एमसीक्यूज हो गए, 15 25 मार्क्स, 10 मार्क्स का हर्सबर्ग, 25 नंबर आए थे 7 चैप्टर में। जस्ट इमेजिन 25% ऑफ द पेपर इज कमिंग फ्रॉम 1 चैप्टर, 11 चैप्टर में से 1 चैप्टर में 25 नंबर डाल दिए एग्जाम में। बड़ा जस्ट होल्ड ऑन, एक मिनट दीजिए। सॉरी फॉर इंटरप्शन। सो 25 नंबर आए थे जनाब इस अटेम्प्ट में सिर्फ 7 चैप्टर में से। तो 7 चैप्टर वॉज वेरी ब्लू आईड चैप्टर इन एटलीस्ट मार्च एंड सितंबर 17 अटेम्प्ट। मार्च और सितंबर 2017 की अटेम्प्ट में 7 चैप्टर बड़ा ब्लू आईड चैप्टर था एग्जामिनर का। ओके, सितंबर 16 पे आ गए, सितंबर 16 में सिर्फ एक क्वेश्चन था, 9 का बी पार्ट था री इन्फोर्समेंट थियरी के ऊपर। ओनली वन क्वेश्चन वॉज देयर एंड दैट वॉज क्वेश्चन नंबर 9 बी पार्ट, and that was from reinforcement here. Positive reinforcement क्या होती है, identify the situation where positive reinforcement is most effective. कब होती है most effective, जब enthusiasm के साथ दी जाए, जब immediately दी जाए, जब frequently दी जाए, इसी ये हमने 3 पढ़ी है। so 3 marks 3 situations। उससे पीछे move करें मार्च 2016 में, तो 3 question है। question number 2 का कि ए का 5वां सब पार्ट है री इन्फोर्समेंट थ्योरी के, मार्च में क्या हुआ था जी 16 में। ओके, मैचिंग द सिचुएशन, मैचिंग द टर्म्स। ओके, सो दिस वन वाज फ्रॉम मोटिवेशन ओनली। बासित पब्लिकली प्रेज द मार्केटिंग टीम एंड आल्सो गिव देम अट्रैक्टिव फाइनेंशियल रिवॉर्ड फॉर अचीविंग द सेल टारगेट। ही बिलीव दैट दिस जेस्चर वुड मोटिवेट द स्टाफ टू पुट इवन ग्रेटर एफर्ट टू अचीव द एम्बिशियस सेल टारगेट सेट फॉर द नेक्स्ट ईयर। हाँ जी, ये कौन सी टर्म के साथ मैच हो रहा है, कौन सी टर्म, दिस इज पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट, हियर इट इज, दिस इज। तो उसने क्या किया, उसने तारीफ की सबके सामने और रिवॉर्ड भी दिया, सो दैट इज पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट। और कोई टर्म तो नहीं मैच कर रही ना, हाँ नहीं कर रही, तो ये पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट है, ठीक है।
ये क्वेश्चन था, उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर था अगेन हाउ टू सेट इफेक्टिव गोल्स के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है, द बोर्ड ऑफ ओटीएल इज करंटली फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटजी फॉर अचीविंग इट्स बिजनेस गोल इन नेक्स्ट फोर ईयर। द बोर्ड इज ऑफ ओपिनियन दैट द लेवल ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज इन द कंट्री वुड इंक्रीज सिग्निफिकेंटली एंड ओटीएल शुड अचीव अ फेयर शेयर ऑफ एनविसेज्ड ग्रोथ। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट मैटर्स दैट वुड द व्हिच द बोर्ड मस्ट कीप इन पर्सपेक्टिव व्हाइल एस्टैब्लिशिंग इट्स गोल। हाउ टू सेट इफेक्टिव गोल, अब ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है 10 नंबर का, वो उलट सवाल था, वो रिवर्स किया गया था, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सो दैट क्वेश्चन वॉज रेसिप्रोकेटेड, दिस क्वेश्चन इज पुट इन अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड टर्म। एंड क्वेश्चन नंबर 7 वॉज फ्रॉम विक्टर रूम्स एक्सपेक्टेंसी मॉडल। हाँ ये देखें क्वेश्चन नंबर 7, पहले वो पूछ रहा है कि वो तीन फैक्टर्स कौन कौन से, एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटैलिटी एंड वेलेंस, और फिर वो पूछ रहा है कि मैनेजर्स को ये थ्योरी कैसे इस्तेमाल करनी चाहिए। 4 नंबर जो हमने डिस्कस किया था कि मैनेजर्स को क्या करना चाहिए इस थ्योरी के अंदर, व्हाट मैनेजर्स शुड डू टू यूज दिस थ्योरी, तो ये भी हमने डिस्कस किया था काफी थॉरली। सो दिस वाज मार्च 16, सितंबर 15 में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए था मैकक्लेलन नीड थ्योरी में, सितंबर 15 के अंदर। सितंबर 15 में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए था 9 नंबर का मैकक्लेलन्स नीड थ्योरी, स्ट्रेट फॉरवर्ड तीनों नीड्स को एक्सप्लेन करना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 मैचिंग द टर्म्स विद द सिचुएशन 5 एंड 6। Zahir is obsessed with the idea that he must accomplish something worthwhile in his life and continuously strive to achieve higher level of success and achievement. हाँ जी, कौन सी टर्म जा रही है इसके साथ? That is intrinsic reward. Handsome salary, insurance coverage for family and company maintained vehicle are strong motivator for Nushad. That is extrinsic reward. Straight clear. Understood? आसान है ना। अच्छा जब पास पेपर देख रहे होते हैं ना तो हमारा दिल करता है ऐसे कितने आसान पेपर आए थे, काश हमें भी ऐसा पेपर आ जाए। इसे कहते हैं, इसके लिए एक बायस होता है जिसे कहते हैं हाइंडसाइट बायस। कि अब चूँकि पेपर आ चुका है आप रिलैक्स माइंड में बैठ के क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो आसान लगते हैं, लेकिन जिनको ये क्वेश्चन पेपर आया होगा उनको यही क्वेश्चन बड़े चैलेंजिंग लगे होंगे, इसलिए ये वाले क्वेश्चन आपको बार मतलब पढ़ाने का और हर दफ़ा इस प्रैक्टिस हर चैप्टर के बाद इस प्रैक्टिस से गुजारने का पर्पज़ ये होता है कि आप के सामने जब अपना पेपर आए तो यू शुड बी वेरी मच क्लियर एंड अंडरस्टैंड, मतलब अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्ड हुई हुई हो कि आपने ये इस तरह की स्टेटमेंट्स पहले पढ़ी हुई हैं और उसमें इस तरह का कोई चैलेंज नहीं मिलेगा इंशाल्लाह, फिर आपको पेपर आपको एलियन नहीं लगेगा। बेसिकली पेपर को बार बार पढ़ाने का मकसद ये होता है कि आपको पेपर एलियन ना लगे, यू शुड नॉट फील दैट पे। हाँ एग्जैक्टली, आपकी फेमिलियरिटी बढ़ जाती है क्योंकि जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, जो कीवर्ड्स हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी कॉमन रहती है, तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है व्हेन यू रीड द क्वेश्चन क्वाइट ऑफन। ठीक, ये 30 सितंबर का 2015 का। उसके बाद आता है जी मार्च 2015 का, डिफाइन द टर्म मोटिवेशन, मोटिवेशन को डिफाइन करने को कहा था 2 मार्क्स, और 7 नंबर में अब्राहम मैस्लो की जो थ्योरी है उसकी लिमिटेशंस पूछी गई थी 7 मार्क्स में, और सेल्फ एफिकेसी की डेफिनेशन आई थी 2 मार्क्स की क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट बी में। ये मार्च 2015 का पेपर है, अगेन बड़ी आसान आसान बातें। Formal goal setting would discuss the advantages which progressive organizations seek to achieve by implementing formal goal setting system. Formal goal setting system से इदारा किस किस्म के advantages को acquire कर सकता है? Now that's a very comprehensive question. 10 नंबर का सवाल है। I would strongly recommend कि इस question का आप suggested answer जरूर निकाल के देखिएगा। क्योंकि in fact शायद मेरे पास भी पढ़ा हो। Autumn 14 का suggested answer, हाँ ये ओके।
Yes, I do have it. Question number one, sir. Question number five. Question number five. Okay. ये जरा पढ़िएगा, पढ़ा जा रहा है, थोड़ा zoom करो. Okay. ये question जो है ये directly book में से नहीं है, बाप गौर फरमाए. तो ये question कहीं भी किताब में नहीं गया ना. ये बड़ा अजीब सा question है. Question की statement पहले पढ़े. क्वेश्चन कह रहे हैं कि वो क्या एडवांटेजेस हैं जो एक कंपनी एक्वायर कर सकती है एक फॉर्मल गोल सेटिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट करके. एक फॉर्मल गोल सेटिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट करके क्या फवायद हासिल होते हैं कंपनी को? तो ये फवायद हासिल होते हैं, ग्रेटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन आ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटीज क्लियर हो जाती हैं. और अब गौर फरमाए तो ये कहीं ना कहीं एमबीओ के एडवांटेजेस हैं, एमबीओ के बेनिफिट्स लग रहे हैं थोड़े बहुत. ठीक है, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स की रिलेशनशिप ये बड़ा ही अजीब सा बेनिफिट दिया है. ये तो पहले भी बात हो गई है, ये तो ऐसी सिर्फ खाना पूरी या वो एक नंबर फिल किया है. इनकॉर्पोरेट सेल्फ करेक्टिंग करेक्टरिस्टिक्स स्लिप है जो इन पर परफॉर्मेंस, हाँ ये आपको वो मिल जाता है, रॉबस्ट रेफरेंस पॉइंट मिल जाता है जो हमने डिस्कस किया था. डिफिशेंसी को ऊपर आइडेंटिफाई कर लेते हैं. यस, एमबीओ के बेनिफिट्स लग रहे हैं कुछ हद तक. वो और बात है कि उसने खुद से क्रिएट किए हुए हैं, एग्जामिनर ने अपनी वर्डिंग में लिखे हुए हैं, बुक में ये वाले वर्ड्स कहीं नहीं है पूरी किताब में, 7 चैप्टर में. लेकिन इस अगर आप इन अगर आप पॉइंट्स को रिलेट करने की कोशिश करें तो ये एमबीओ के साथ मिल रहे हैं कि एमबीओ के अंदर एमबीओ का बेनिफिट क्या होता है कि क्लैरिटी आ जाती है, एमबीओ का बेनिफिट क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन बेहतर हो जाती है, एमबीओ का बेनिफिट क्या होता है रॉबस्ट रेफरेंस पॉइंट मिल जाता है, फीडबैक मिल जाता है. ठीक है, एमबीओ का बेनिफिट क्या होता है कि आपको पता लग जाता है कि आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स ओवरऑल सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आपको नॉलेज मिल जाता है अपनी परफॉर्मेंस अप्रेजल के मुताबिक. इसी तो कहीं ना कहीं एमबीओ का टच आ रहा है इसके अंदर, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड एमबीओ के बेनिफिट्स नहीं है ये. वैसे भी आपकी किताब में तो एमबीओ के सिर्फ 4 बेनिफिट्स डिस्कस किए गए थे, उसमें कुछ 7 पॉइंट्स लिख दिए यहाँ पर. ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन था हर्ज़बर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी के सेलियंट फीचर्स, 7 मार्क्स. हर्ज़बर्ग टू फैक्टर थ्योरी के सेलियंट फीचर्स, ये हाइजीन फैक्टर्स और मोटिवेटर फैक्टर्स को लिस्ट डाउन कर देना था. शुरू में थोड़ा सा बता देना था कि दो ग्रुप्स होती हैं, वो फैक्टर्स जो डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट करते हैं और वो फैक्टर्स जो सेटिस्फैक्शन क्रिएट करते हैं, और दोनों फैक्टर्स जो हैं वो सेपरेटली ऑपरेट करते हैं और दोनों फैक्टर्स जो हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वर्क प्लेस के ऊपर मोटिवेशन लाने के लिए. हर्ज़बर्ग ये दोनों बुक के पॉइंट्स हैं, यानी ये उसने पूरी बुक की थ्योरी को रिप्रोड्यूस किया है. आप देख सकते हैं जैसे ही आपकी थ्योरी बुक में गिवन है उसने पूरी थ्योरी जो है एज इट इज आपके सामने पुट की है. पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशन जरूर देखा करें, हाईली हाईली रिकमेंडेड. अब देखो हमें नहीं पता था कि फॉर्मल गोल सेटिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट करके कंपनी को क्या बेनिफिट हासिल हो सकते हैं, तो आपको एक एडिशनल टॉपिक मिल गया, आपको एक एडिशनल टॉपिक मिल गया प्रिपरेशन के लिए कि अगर एक इदारा फॉर्मल गोल सेटिंग सिस्टम इंड्यूस करेगा तो उसे ये फवायद हासिल हो सकते हैं. दे कैन अवेल दीज बेनिफिट्स एट लीस्ट. फेयर नो? सो दिस इज हाउ यू हैव टू गो अबाउट इट, दिस इज हाउ यू हैव टू मूव अबाउट इट. सो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर दीज आर वेरी क्लियर कट इंडिकेशन कि आप किस तरह से अपनी जो फॉर्मल कोचिंग सिस्टम है उससे आप ये फवायद हासिल करते हैं. फिर वो सो फार ये 9 पेपर्स हैं जो डिस्कस किए हैं हमने फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फाइल, और इसके साथ ही हमारा 7 चैप्टर अपने पाया तकमील को पहुंचता है. इसके बाद आता है हमारे पास 8th चैप्टर दैट इज़ लीडरशिप. इसका हम आज इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, इसे पढ़ेंगे इंशाल्लाह कल डिटेल से. लीडरशिप स्टाइल्स क्या होते हैं, हु इज़ अ लीडर, व्हाट स्टाइल द लीडर यूजेस. इफेक्टिव लीडरशिप में दो चीज़ें होती हैं, ये हमने वैसे 1st चैप्टर में भी डिफाइन की थी टर्म. We defined this term in the first chapter as well. Effective leadership में दो चीज़ें होती हैं. Number one, guiding and directing others, making best use of their knowledge,
and also developing their knowledge and skills for the future. Teen kaam karta hai leader. Leaders guide karte hain aur direct karte hain employees ko. Leaders unke knowledge ka best possible istemal karte hain. They make people apply the best possible skill they have towards the betterment of the organization. And they also train their employees, they also develop their employees for the future. Leadership is an aspect of management, discussed here in the first chapter. It is not management, rather it's a part of management. So leadership we have kisi bhi level pe develop ki ja sakti. Not every manager is a good leader. Effectively, ek achhe manager ko ek achha leader bhi hona chahiye. Leadership ek skill hai jo ki ek manager ke paas hona chahiye. So what makes a person a good leader? Iske upar bahut sare schools of thoughts ye sawal paida hota hai ki kya cheez hai jo leader banati hai, kya leader paida hote hain, kya leader banaye jaate hain, kya leader develop kiye jaate hain, kya leadership sikhai ja sakti hai. So that's the question. Aur isi ke upar different schools of thoughts, different theories hai. Ek school of thought ye kehta hai ki leaders are born leaders. Ye hai trait theories kehti hai ki leaders paida hote hain, banaye nahi jaate. Ek school of thought kehte hain nahi, leadership sikhai jati hai. Leaders are not born leaders, they can be taught. Unko aap sikha sakte hain, unko aap padha sakte hain. Ye ek aisa skill hai jisko master kiya ja sakta hai. This is such a skill which can be mastered. एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि लीडरशिप एक कॉन्टिंजेंसी स्किल है. सिचुएशन टू सिचुएशन लीडर का स्टाइल वेरी करना चाहिए. सिचुएशन टू सिचुएशन लीडर का जो स्टाइल है वो वेरी करता है. और लीडरशिप हैज टू बी मोस्ट इफेक्टिव बेस्ड ऑन द सिचुएशन दे आर इनकाउंटरिंग. जिस किस्म की सिचुएशन लीडर इनकाउंटर कर रहा होता है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली जो लीडर है वो बेस्ट पॉसिबल स्टाइल को ऑप्ट करता है. तो ये तीन स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं. पहला स्कूल ऑफ थॉट है लीडरशिप इज अ प्रोडक्ट ऑफ पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स. इसे कहते हैं ट्रेड थ्योरीज. इसे कहते हैं ट्रेड थ्योरीज. ये स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि लीडर जो है वो करिज्मेटिक होते हैं और अपनी पर्सनालिटी के करिश्मा से इन्फ्लुएंस करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को. लीडर्स आर करिश्मेटिक एंड दे इन्फ्लुएंस विद देयर करिश्मा द पीपल दे मैनेज एंड दे कैन नॉट बी टॉट. सिखा नहीं सकते आप. लीडरशिप स्किल किसी को सिखाई नहीं जाती, ये इंसान के अंदर बाय डिफॉल्ट मौजूद होती है. कॉन्टिजेंसी थ्योरीज कहती हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है. लीडरशिप सरकमस्टांसिस पे डिपेंड करती है और इफेक्टिव लीडरशिप जो है वो सिचुएशनल होती है. सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि लीडर का बेस्ट पॉसिबल स्टाइल क्या होगा. कुछ राइटर्स जो है वो कहते हैं कि नहीं, देयर इज अ बेस्ट स्टाइल ऑफ लीडरशिप. ये स्टाइल थ्योरीज है. दिस इज स्टाइल थ्योरीज. स्टाइल थ्योरीज में और कॉन्टिजेंसी थ्योरीज में यही फर्क है. कॉन्टिजेंसी थ्योरी ये कहती है कि लीडर का स्टाइल डिफरेंट हो सकता है, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी कर सकता है. जबकि कॉन्टिजेंसी थ्योरीज ये कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है. लीडर जो होता है उसका एक बेस्ट स्टाइल होता है और वही स्टाइल वो कैरी करता है हमेशा. रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन द स्टाइल नेवर चेंजेस. स्टाइल थ्योरीज से ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी है कॉन्टिजेंसी थ्योरीज. स्टाइल थ्योरीज से ज्यादा एक्सेप्ट की जाती है कॉन्टिजेंसी थ्योरीज. हम एक ट्रेड थ्योरी पढ़ेंगे, हम पांच स्टाइल थ्योरीज पढ़ेंगे और हम तीन कॉन्टिजेंसी थ्योरीज पढ़ेंगे. टोटल नौ थ्योरीज पढ़नी है हमने. इन नौ में से पेपर में कम से कम एक एट मोस्ट दो लाजमी आती हैं. इन नौ थ्योरीज में से कम एक और मैक्सिमम दो थ्योरीज मैंडेटरी हैं, लाजमी आती हैं. ठीक है. So this is what we are going to talk about. So contingency theories ka matlab ke mutabik leader ka jo style hai wo situation pe depend karta hai. Style theories ke mutabik every leader has one best style, ek best style hota hai jo wo carry karta hai. Aur trait theories ke mutabik leadership cannot be taught.
It is an instinct which a person carries by birth. ट्रेड थ्योरी के मुताबिक लीडरशिप एक इंस्टिंक्ट है जो एक इंसान पैदाइशी तौर पे कैरी करता है. ट्रेड थ्योरीज आर द थ्योरीज आर बेस्ड ऑन पर्सनल क्वालिटीज एंड पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स दैट मेक अ गुड लीडर. ट्रेड थ्योरीज के मुताबिक लीडर अपनी पर्सनल क्वालिटीज की बुनियाद पे बनता है. कुछ इंडिविजुअल्स में ये क्वालिटीज होती हैं, कुछ में नहीं होती. सो वो कहते हैं सम पीपल्स आर देयर फॉर बॉर्न लीडर्स. कुछ लोग इसीलिए बॉर्न लीडर्स होते हैं. ट्रेड थेरीज इमीडिएट पॉपुलर अपील एक्वायर करती हैं, लेकिन अब ये थेरीज फेल हो चुकी हैं क्योंकि ऐसा नहीं होता. बहुत सारे मतलब ट्रेड थेरीज के मुताबिक अगर एक इंसान में ये सारे के सारे ट्रेड्स होंगे तो वो अच्छा लीडर कहलाएगा. हालांकि ऐसा नहीं होता. और ये ट्रेड्स जो हैं ये बहुत सारे सीखे भी जा सकते हैं, ये पैदाइशी आप में नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल इंटेलिजेंस और गुड जजमेंट. अब गुड जजमेंट इज नॉट समथिंग विच यू विल हैव बाय बर्थ. यू कैन डेवलप दिस ट्रेट. इसको आप डेवलप कर सकते हैं ना, गुड जजमेंट को आप बिल्ड कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं. इसी तरह कॉम्पिटेंस इन टास्क. आप जितना मेहनत करेंगे, जितनी एफर्ट करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, आप कॉम्पिटेंट हो जाएंगे. तो ये चीज़ सिखाई जा सकती है. सो ट्रेड थेरीज जो हैं ये थेरीज कहती थी कि द लीडर्स आर द बॉर्न लीडर्स. दीज थेरीज एक्वायर्ड इमीडिएट पॉपुलर अपील. ग्रेट लीडर की जो डिस्क्रिप्शन है हिस्ट्री में वो उनकी पर्सनल क्वालिटीज पे बेस करती है, जो उसको एक स्पेशल या एक नेचुरल लीडर के तौर पे डिस्टिंग्विश करती है. पर ट्रेड थ्योरी कुछ ट्रेड्स ऐसे होते हैं जो कि इंसान में पाए जाते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे एंथुजियाज्म है या पर्सनैलिटी है या करिज्मा है पर्सनैलिटी का. तो ऐसा नहीं है कि इंसान में ट्रेड होते ही नहीं है. होते ज़रूर हैं ट्रेड्स, लेकिन सिर्फ ट्रेड थ्योरीज पे रिलाई करना दैट इज़ समथिंग क्वेश्चनेबल. तो ट्रेड थेरीज के अंदर ये ट्रेड्स हैं. ये एक लंबी लिस्ट है. ऑब्वियसली सारे के सारे ट्रेड्स तो नहीं आपसे पेपर में पूछे जाएंगे, लेकिन चार पांच छह ट्रेड्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. आपको पूछ के बताएं ट्रेड थेरीज के मुताबिक एक लीडर के अंदर इफेक्टिव ट्रेड्स कौन कौन से होते हैं. कुछ चार पांच छह लिस्ट काम करें तो फिजिकल विटैलिटी और एनर्जी. विटैलिटी का मतलब है जोश. इंटेलिजेंट, गुड जज, ईगरनेस टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंथुजियास्टिक, कॉम्पिटेंट, understanding the followers, skill in dealing with people, powerful need for achievement, capacity to see to motivate others, decisiveness, trustworthiness, assertiveness, flexible. ये सारे के सारे traits हैं. It is not necessarily obvious which of these traits are more important than others. However, these traits have to be there in a person to be a good leader. ये concept था trait theory से. कि trait theory से मुताबिक ये सारे के सारे traits एक इंसान में होंगे तो वो अच्छा leader कहलाएगा, वरना वो अच्छा leader नहीं कहलाएगा. अनदर प्रॉब्लम विद द ट्रेड थ्योरी दैट इफ लीडरशिप स्किल्स आर नेचुरल देन इंडिविजुअल ईदर हैज और डज नॉट हैव द स्किल. वेरी सिंपल. अगर हम एक लम्हे को मान लें कि ट्रेड थ्योरीज एग्जिस्ट करती हैं और ट्रेड्स ही अच्छा लीडर बनाते हैं, तो इसका मतलब है कि ये तो फिर बाय बर्थ है ना. या आप डिसाइसिव होंगे या आप नहीं होंगे. तो अगर आप डिसाइसिव नहीं है तो फिर तो आप कभी अच्छे लीडर हो ही नहीं सकते. और चूंकि ये ट्रेट है आपका, ये करेक्टरिस्टिक है आपकी पर्सनैलिटी का, ये चीज़ आपको सिखाई नहीं जा सकती. तो ट्रेड थेरीज इसलिए हाईली डिस्क्रेडिट हो गई हैं कि ट्रेड थेरीज के मुताबिक तो फिर एक इंसान कभी भी अच्छा लीडर बन ही नहीं सकता. ही और शी कैन नेवर बी अ गुड लीडर. सो ऑर्गेनाइजेशन वुड देयरफॉर हैव टू लुक फॉर नेचुरल लीडर्स. फिर इदारे हमेशा लीडर्स ढूंढेंगे रादर देन वो लीडर्स को प्रोड्यूस करें. इदारे फिर क्या करेंगे, दे विल लुक फॉर द लीडर्स रादर देन दे विल प्रोड्यूस द लीडर्स. सो ट्रेड थ्योरीज दैट्स व्हाई आर नाउ डिसक्रेडिटेड, फेल हो गई. लेकिन अगर आप किसी इफेक्टिव लीडर को आइडेंटिफाई करके डिस्क्राइब करें तो उसमें कहीं ना कहीं ये ट्रेड्स पाए जाते हैं. तो एन इफेक्टिव लीडर मे हैव सम ऑफ दीज ट्रेड्स, बट वी कैन नॉट से दैट दीज ट्रेड्स आर बाय बर्थ इन दैट पर्सन. एक इफेक्टिव लीडर में ये ट्रेड्स कहीं ना कहीं ज़रूर पाए जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो बंदा ये ट्रेड्स लेके पैदा हुआ है दुनिया में. यस 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 इट्स इननेट. एग्जैक्टली. सम पीपल नेचुरली ऑपरेट एट हायर लेवल. आई टोटली बाय दिस. अल्लाह ताला ने हर इंसान को मुख्तलिफ पैदा किया. कुछ लोगों के अंदर ये जर्म्स बाय बर्थ होते हैं, बट इट डस नॉट मीन कि अगर किसी में वो जर्म्स नहीं है तो वो पैदा नहीं किए जा सकते. द पॉइंट इज दिस. जैसे ऐसे ही है ना, देखें देर आर सम पीपल हु आर गिफ्टेड, लेट्स से, जिनको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है
और देर आर सम पीपल हु आर गिफ्टेड, जिनको मेहनत कम करनी पड़ती है वो कम टाइम में ज्यादा सीख जाते हैं, लेकिन इसका तो ये नहीं कि जो कि जिनको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है वो कामयाब नहीं हो सकते. एग्जैक्टली, इफ नॉट देयर दे कैन बी एक्वायर्ड. इट विल टेक टाइम, इट विल बी हार्ड, बट इट कैन बी हैंडल्ड. वक्त लगेगा लेकिन ये स्किल, ये ट्रेट्स बिल्ड किए जा सकते हैं. ट्रेट थ्योरी तो लाइन ड्रॉ कर देते ना कि अगर ये आपके अंदर पैदाइशी जर्म्स मौजूद नहीं है तो आप अच्छे लीडर ही नहीं. और ट्रेड थेरीज तो ये एक लाइन, कट ऑफ लाइन ड्रॉ कर देती है कि अगर आपके अंदर ये जरासीम पैदाइशी तौर पर मौजूद नहीं है तो आप एक अच्छे लीडर नहीं हैं. ठीक, दिस इज व्हाट ट्रेड थेरीज टॉक अबाउट. गॉट इट? ट्रेड थेरीज क्लियर होगी सबको? ट्रेड थेरीज के अंदर कोई क्वेश्चन? ओके ग्रेट. अब हम तो ये एक थ्योरी है ट्रेड थ्योरी, तो हमने एक ट्रेड थ्योरी पढ़नी थी जो हमने पढ़ ली. अब हम पढ़ेंगे पांच स्टाइल थ्योरी. बड़ी मजे की थ्योरी है और अभी तक सबसे कम टेस्टेड जो है वो स्टाइल थ्योरीज ही हैं. लिपिट एंड वाइट आपके अटेम्प्ट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है. पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से लिपिट एंड वाइट की जो थ्योरी है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. लिपिट एंड वाइट ने लीडरशिप स्टाइल्स को डिस्कस किया था यूजिंग अ ग्रुप ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो आर्ट्स एंड क्राफ्ट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे. क्रिएटिव काम था. लिपिट एंड वाइट ने कहा था कि लीडर्स तीन किस्म के होते हैं और हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि बेस्ट पॉसिबल लीडर कौन सा होता है. इन्होंने तीन किस्म के स्टाइल्स डिटर्मिन किए थे, अथॉरिटेरियन या ऑटोक्रेटिक लीडर, ऐसा लीडर जो अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करता है, डेमोक्रेटिक लीडर, ऐसा लीडर जो लोगों को गाइड करता है, इनक्रेज करता है, इन्वॉल्व करता है, और लेसेस फेयर लीडर, ऐसा लीडर जो लोगों को उनके हाल पे छोड़ देता है. ठीक है, एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होता, लीस्ट बॉदर्ड होता है. तो लिपिट एंड वाइट ने तीन किस्म के स्टाइल्स को डिटरमिन करके इन तीन स्टाइल्स की वजह से इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल को डिस्कस करने की कोशिश की थी. अगर हिम्मत है तो पढ़ लें, अदरवाइज कल करें. कल की क्लास हम 2 बजे करेंगे जुम्मे की वजह से. ठीक है, तो टुमारो क्लास इज गोइंग टू बी एट 2 PM. चलें, लिपिड एंड वाइट को हम लोग कल डिटेल में पढ़ेंगे. थोड़ा सा इसमें टाइम ज़्यादा लगाना है स्कूल में. कल हम लिपिड एंड वाइट और ब्लैक एंड मुटॉन, कल हम दो थेरीज पढ़ेंगे. ठीक है, ब्लैक एंड मुटॉन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग थेरी. 8th चैप्टर पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं बार बार 8th चैप्टर में अपनी अटेंडेंस को काइंडली रेगुलर रखिएगा, क्योंकि एक भी थेरी अगर आपने कंसेप्चुअली मिस कर दी तो प्रॉब्लम हो जाएगी. तो आई रिकमेंड कि 8th चैप्टर के लिए यू शुड ऑल बी रेगुलर, नॉट इवन फॉर 8 चैप्टर, अब जितना भी रहेगा हमारा कोर्स इंशाल्लाह. चलिए ठीक है फिर, इंशाल्लाह सी यू टुमारो. ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़.